सूरा मेरे मज पम्मा डठण बिर मनी सिखा पधिंग समाधियानी। दशरथ जी जी, असल जब ये राजस्थान का जब प्रकरण हुआ और वो बच्चा पानी के लिए मारा गया, तो मैंने नत्थी सिंह जी को कॉन्फ्रेंस पे लिया, बुनकर जी को कॉन्फ्रेंस पे लिया और हिनुनिया जी को कॉन्फ्रेंस पे लिया और बिशमदेव आर्य जी को लिया। मैंने इनसे ये कहा कि भी देखो, जो बच्चा मारा गया है वो पानी के लिए नहीं मारा गया है, जो बच्चा मारा गया है क्योंकि जो मटका है उसको कोई जो बनाता है कुम्हार बनाता है, कोई ठाकुर या कोई वमन नहीं बनाता उसको, और उस मिट्टी को लाता है, पैरों के तले रौंदता है, जानवर उस पैरों तले रौंदते हैं, वो मिट्टी भी क्या बोलते हैं उसके लिए उतनी ही ज्यादा जहरीली होनी चाहिए जितना वो बच्चा है, पर वो मिट्टी में रखा वो पानी पीता है और बच्चा छूता है तो बच्चे को मारते हैं। तो बात इसकी नहीं है कि वो मटका क्या है, बात कुछ और है। हमारा जो ये बच्चा मरा है, या अभी और भी बच्चे मरने वाले हैं, अभी बहुत बच्चे मरेंगे हमारे और बलात्कार भी बहुत होंगे, ये इसलिए हुए हैं क्योंकि आप जो जानकार लोग जो दुनिया को जगाते हो, सोए हुए हो, आप अलग अलग हो और आप लोगों की वजह से बच्चे मरते हैं। बच्चे मारने वाले की हिम्मत नहीं है कि वो बच्चे को छू ले। तो नत्थी सिंह जी तो थोड़े सीरियस हुए, पर वो जो ईगो और अहंकार है जो उनको अपना लगता है कि मेरी गरिमा मेरी बेइज्जती है, वो थोड़ा पिघला। पर बिशमदेव आर्य जी को तो मैं ये कहूंगा कि उनको तो सेंस ही नहीं है, उनको तो कौन मर रहा है कौन जी रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, वो तो मैं और मेरा में बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। पर हिनुनिया जी जो हैं वो बड़े सुलझे हुए व्यक्तित्व के हैं क्योंकि वो एपीआई पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष भी हैं और वो डॉक्टर भी हैं और वो चीजों को समझते भी हैं और वो यहाँ अपनी पार्टी और अपनी एमबीएस के साथ में जितना तालमेल करके वो सहयोग कर सकते हैं उतना वो करते हैं, क्योंकि उनके पार्टी भी बीच में आती है, उसके भी नियम है, वो अपने नियमों से बंधे हुए हैं और अभी हमारा कोई कहीं उन लोगों से और जो बुनकर जी हैं उन्होंने भी ये कहा कि भाई एक साथ मिलना चाहिए, बात ये थी। तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई सबको बैठा के और ये दुख की घड़ी है एक बार बात कर लो, ये काफी पहले बात की थी जब कॉन्फ्रेंस हुई थी और ये कोई संघ के ब्याह पे बात नहीं हुई, ये जो बात हुई थी ये चूंकि दुख की घड़ी थी और उसमें मैं उन राजस्थान वालों को ये बताना चाह रहा था कि देखो भाई तुम अलग हो गए हो इसलिए ये लाशें गिरती हैं, अगर हम सब साथ रहें और पूरा राजस्थान और सब एक जगह रहे तो किसी की हिम्मत नहीं हमारे बच्चे को छू जाए, ये बात समझाने के लिए। तो मीटिंग की बात में होने के बाद फिर उन्होंने दोबारा नत्थी सिंह ने या बिशमदेव आर्य जी ने कोई फोन नहीं किया और हिनुनिया जी को भी कुछ नहीं पता क्या कहानी हुई या क्या नहीं हुई। व्हाट्सएप पे एक उन्होंने मैसेज भेजा मेरे को नत्थी सिंह जी ने कि 27 तारीख की मीटिंग है, उसमें तीन नाम थे, एक कोई अवस्थी है नरेंद्र अवस्थी, एक उसमें बिशमदेव आर्य है और एक उसमें नत्थी सिंह है, उन्होंने 27 तारीख की कहीं कोई मीटिंग तय की। उस मीटिंग की जानकारी ना हिनुनिया जी को ना मुझे ना कुछ है। अच्छा, मैं तो समझता हूँ कि वो जो मीट, क्योंकि उनमें नत्थी सिंह जी में और बिशमदेव आर्य जी में अभी बच्चों वाला एलिमेंट बहुत है, मेरी मीटिंग हम करा रहे हैं हम करेंगे, ये बच्चा मरा है जिया है उससे कोई लेना देना नहीं है, अभी वो अहंकार का जो बीज है वो बड़ा मजबूत है। तो उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने कोई सलाह नहीं की, उन्होंने मशवरा नहीं किया, कहीं किया होगा हमें पता नहीं पर कोई बात नहीं की। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी कि आप कितने लोग आ रहे हैं, तो मैंने कहा भाई कितने लोग से क्या मतलब है, कह रहा जी आप जो मीटिंग होती है उसमें, मैंने कहा भाई वो तो संघ है, उस संघ के 28 तारीख का कार्यक्रम पहले है, मुझे नहीं लगता कि वहां से कोई आएगा, और दूसरी बात यह है कि मैं जो बात रख रहा हूं या मेरी बात हो रही है उसे संघ का कोई लेना देना नहीं है, वो मेरा आपका पर्सनल मैटर है, अगर आपको संघ से लोग चाहिए तो संघ में आके बात करो, संघ से जाके अपील करो, संघ को बताओ क्या करना है क्या नहीं है, संघ से पास कराओ, संघ में सारी चीजें पास होती है, ये बातें होती नहीं। पर बिशमदेव आर्य जी को ये पता ही नहीं कि वो क्या कार्यक्रम है क्या नहीं है, वही उनकी जो तड़ी छड़ी है वो भी फलाना अफसर आ रहा है फलाना आ रहा है, यार अफसरों को तो हम बहुत देख चुके हैं, अफसरों से काम नहीं बनने वाला, अफसर सिर्फ आते जाते हैं कुर्सी बैठते निकल जाते हैं, पर हिनुनिया जी समझदार हैं। मैंने हिनुनिया जी से कहा था, इन्होंने कहा कि आप आइए, मैंने कहा भाई मैं तो अकेला आ जाऊंगा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, पर वहां रिजल्ट क्या आने वाला है, क्या मीटिंग करोगे, क्या एजेंडा है, कौन कर रहा है, कौन ऑर्गेनाइजर है, क्या वहां व्यवस्था होगी, उसके बाद क्या करोगे, उससे निकल के क्या आएगा, क्योंकि अभी 2000 आदमी इकट्ठे हुए और उनको 5 आदमी ने बहका दिया और वो मीटिंग खराब हो गई जो राजस्थान के अंदर
जो 24 तारीख को हुई थी, वो मीटिंग पूरी तरह से तहस नहस हो गई। मैंने कहा सारी रैलियां हो गई, लोगों ने सब निकाल लिए, सारे आक्रोश निकल गए, काम खत्म हो गया, बच्चे की लाश गिर गई, क्या करोगे मीटिंग करके? कुछ आगे का भविष्य का इकट्ठा होने का हो तो बात हो। पर नत्थी सिंह जी के दिमाग में अभी भी वो सेपरेशन वाला अलग का जो मामला है वो है। वो यहाँ अभी बात भी कर रहे थे तो उनके चेहरे पर तनाव ज्यादा था, बात कम थी। हिनुनिया जी तो समझदार हैं, वो तो पोलाइटली बात करते हैं। तो मैंने हिनुनिया जी से कहा था, मैंने कहा देखो वहां कोई सुनेगा सुनाएगा तो है नहीं, हम तो समर्थ संघ की बात करेंगे। अगर मैं आता भी हूँ, मान लो सपोज जैसे आप, क्योंकि हिनुनिया जी मेरे पुराने मित्र हैं और नत्थी सिंह तो 20 साल पुराने मित्र हैं और वहां और भी लोग हैं, अगर मैं आता भी हूँ तो मैं समर्थ संघ के व्याप पर नहीं आऊंगा, पर मैं बात समर संघ की ही करूंगा, क्योंकि समर संघ का कोई आदेश तो मुझे है नहीं, मैं पर्सनल कैपेबिलिटी में आऊंगा और वहां क्या होगा क्या नहीं होगा क्या पता नहीं है। तो इसलिए कोई टिकट विकट हमने बुक नहीं कराई कि भाई वो, उन्होंने कहा, फिर मैंने उनसे कहा कि आप ना आके यहाँ मीटिंग में अपनी बात रखना। तो भीषम देव जी को आज आना था, उन्होंने कहा 10 बजे वो आएंगे, भीषम देव जी तो आए नहीं, पर नत्थी सिंह जी आए और हिरुनिया जी आए। नत्थी सिंह जी जो आए वो बात उन्होंने वही फिर वो वी द पीपल की स्टार्ट कर दी, वो बात को कहने का तरीका सही तरीके से, अभी उनका मन में कुछ और है, पर हिरुनिया जी का मन बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चाहते हैं कि सब एक हो जाए। तो अब जैसा हिरुनिया जी कह रहे हैं आप उनसे सवाल जवाब करें और पूछें, और आराम से पूछें, उनको ये ना माने कि वो के बाहर के, क्योंकि वो समझदार आदमी है, इंटेलेक्चुअल आदमी है, और वो जुड़ना, वो वास्तव में सब लोग को इकट्ठा करना चाहते हैं। तो हिरुनिया जी बोलिए सर आगे, अब आप अपनी बात रखिए। जी 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 धन्यवाद सर। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत जो है आप लोगों के समझ में आ गया होगा सर, कि ये जो घटना जो हुई थी उस घटना के संदर्भ में ही जो है वो लोगों को एक तो ये अवगत करवाना था कि भाई इन परिस्थितियों में ये हमारे साथ में ऐसी घटनाएं हो रही है, तो इन घटनाओं का अंत कैसे होगा और इसके लिए हम अभी इंस्टेंटली हम माइक बंद हो गया सॉरी बीच में फोन आ गया था, मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ा। तो इन बातों से अवगत कराने के उद्देश्य से ही जो है वो कोई साथी है वो बार बार में फोन कर रहा था, मैं इसलिए मैंने डिस्कनेक्ट किया है, बीच में शायद आपको डिस्टरबेंस हुआ होगा। तो पहले हमारी 11 सितंबर को जो डेट है वो डिक्लेयर हुई थी, और अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी बहुत बड़ा संगठन है, उसका बहुत बड़ा प्रांगण भी है, तो ये मीटिंग हमें वहां पर आयोजित की जानी थी। लेकिन अभी चूंकि वेलफेयर सोसाइटी के चुनाव हो गए, काफी टाइम हो गया और वहां पर इलेक्शन होना है, लेकिन जो बॉडी वहां पर अभी वहां पर जो है वो बॉडी शायद कहीं ना कहीं उनको ये डर सता रहा है कि कहीं इस समन संघ की मीटिंग के माध्यम से हमारे विरोध में कोई विरोध का स्वर न हो जाए और हमारी जो है वो कुर्सी वो चली जाएगी, तो शायद हो सकता है इस वजह से उन्होंने अनुमति नहीं दी। चलिए खैर कोई बात नहीं, तो उन्होंने उस जगह के लिए अनुमति नहीं दी। तो 11 सितंबर का हमने रखा था, फिर 5 सितंबर की बात रखी तो वो भी हमें जगह नहीं मिली, और फिर फाइनली हमने ये किया कि भाई यहाँ पर नहीं हो रहा है तो दूसरी जगह हम देख लेंगे। लेकिन अभी जैसा आप बोल रहे थे कि 27 तारीख का, ये पहले से डिसाइडेड नहीं था कि 27 को होगा, लेकिन उन्होंने जो है चार पांच जो लोग थे उन्होंने यानी कि एक तरह से वो 27 तारीख का डिसाइड कर दिया। तो चूंकि ज्यादातर लोगों तक ये मैसेज कन्वे हो चुका है, जब आज हमारी सुबह मॉर्निंग में बातचीत हुई थी तो मैंने उनको यही कहा था, मैंने कहा कि पहले एक बार जब हमारी बातचीत मेन मेन लोगों की जिन लोगों के साथ में हो गई थी, एक बार वहां से डिस्कस करके और इसको हाउस में जो है प्रपोजल तो रख देना चाहिए था, और या फिर मुझे बताना चाहिए था कि भाई इस प्रकार की बात है ताकि हम हाउस में यानी कि एक तरह से प्रपोजल रखते और इसको पास करवाते। डेट आगे पीछे हो जाती, 27 की जगह 30 हो सकती थी या फिर एक दो जो भी डेट होती वो हो जाती, आगे पीछे डेट हो सकती थी। तो हालांकि ये जो 24 तारीख का कल का यहाँ का जो प्रोग्राम हुआ है, वो भी प्रोग्राम होने के पीछे कहीं ना कहीं एक ये भी रीजन निकल कर सामने आया कि भाई 27 तारीख का अपना जो वी द पीपल के कॉन्सेप्ट पर हम जो है ये करने जा रहे थे, तो उनको ये लगा होगा कि हम नहीं करेंगे और पहले वो कर ले जाएंगे तो शायद हमारा जो है वो कहीं पर कहीं ना कहीं हमारा कद छोटा हो जाएगा, तो इसके पीछे एक ये भी जो है वो कॉन्सेप्ट हो सकता है। खैर जो भी हुआ तो उन्होंने अपने स्तर पर जो कर लिया वो तो ठीक है, लेकिन अब ये 27 तारीख की जो डेट डिसाइड की है, इसमें मेन मकसद हमारा वी द पीपल के कॉन्सेप्ट को रखना, और इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से यानी कि फिर फोन आ रहा है क्या सर आपका? जी जी वो कट डिस्कनेक्ट किया है मैंने वापस, तो वो हाउस की रूपरेखा है वो भी यानी कि एक तरह से यहीं से हमें फिर तैयार करनी है। तो इस उद्देश्य से ये मैं हाउस से निवेदन कर रहा हूँ कि इसको इमरजेंसी में लिया जाए, क्योंकि
जो घटना हुई है उस घटना के मद्देनजर, तो हमारा यानी कि एक तरह से जो है वो ये कॉन्सेप्ट जाना चाहिए, और साथ ही साथ जो है वी द पीपल के मंच से हमारा एक जो चार्टर है वो इंस्टेंटली कुछ घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा कॉमन चार्टर है वो भी हमारा जाना चाहिए, ताकि हमारी प्रेजेंस है वो ऐसे मुद्दों में भी यानी कि एक तरह से दिखे, ये मेरा कहना है। हाउस है तो हाउस जो है इसके ऊपर सहानुभूति पूर्वक तरीके से और गंभीरता पूर्वक इसके ऊपर विचार करें, और फिर जो भी डिसीजन होगा वो हाउस का होगा। धन्यवाद साथियों। डॉक्टर हिनोनिया सर, हाउस तो अब यहाँ पे 1 तारीख को लगता है, ये तो नॉर्मल मीटिंग है। नंबर वन। नंबर दो सर, अभी आप भी इसको समझेंगे कि समर संघ विद द पीपल जो है, इसके नाम पे हमें अभी जब तक हमारी कोई अच्छी खासी कुछ लोग जुड़ के जुड़े ना, ताकत ना हो, अभी आपसी विश्वास कहाँ है? आप देख रहे हैं ठीक है, आप तो चलो जैसे भी आपकी शायद ज्यादा अच्छी समझ है, लेकिन आप देख तो रहे हैं ना। तो जब तक हम समण जो समझेंगे नहीं, इसको समण की भावना को इकट्ठा होने की, तो तब तक इस चीज को हमें अभी से ये सब करना, जो मेरे पर्सनल है अभी वो तो हाउस में तो अलग अलग रखेंगे, क्या होगा? तो ये सही नहीं है ये मीटिंग। ठीक है, सबको दर्द है और लोग भी कर रहे हैं, हम भी सारे इकट्ठे हो गए, आप अपने हिसाब से करें, आने वाले आएंगे, होना चाहिए, वो सब तो ठीक है, लेकिन इस एक किस्म से जो है संघ की तरफ से या ऐसा कुछ करना इस टाइम कोई ज्यादा जो है बुद्धिमत्ता नहीं है इसमें। अभी इसको ग्रो कर रहा है, इसकी थोड़ी संख्या लोग समझे, इसको लोग समझने को तैयार नहीं है, संघ की बात को अगेन संगठन बनाने में लगे हुए हैं, तो इसलिए मेरे ये विचार है। बाकी तो संघ में आएंगे, जो हाउस लगेगा तो हाउस जो है ना 1 तारीख को लगता है, आजकल एक ही दिन लगता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक बाकी बात जो है भी आपकी। करना है वो करते रहे, लेकिन आप भी इसको समझे कि हमें विद पीपल समर संघ का नाम से कोई इस तरह की अभी ना करें, बेटर है। लेट इट टू ग्रो, अलाउ टू ग्रो टू सम रिस्पेक्टेबल या कुछ इस लेवल तक हो जाए कि हम पूरी जी तरह स्टेब्लिश हो जाए। चलिए कोई नहीं सर, वो फिर प्रयास ये रहेगा कि कम से कम कॉन्सेप्ट तो पहुंचाएं, हाँ, और कॉन्सेप्ट तो कोई जी भी है हो, ना, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट तो पहुंचाने का भी कितना प्रयास होना है, करते हैं। कॉन्सेप्ट तो अपना जुड़ना जोड़ना ही है, एक ही कॉन्सेप्ट है हाँ सीधा। हाँ तो कॉन्सेप्ट तो पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और तो फिर आगे यही का देखते हैं ऐसे सर जी ऐसे ही जो। रहेंगे अलग अलग, तो यही हाल होगा। तो हमें तो इकट्ठा रहने वाला कॉन्सेप्ट हमें पता तो है, लेकिन फिर अगेन वही आ जाता ना, ईगो कॉन्सेप्ट तो हमें पता है, सब सीधी सी बात है, लेकिन वो हमारी सर्वोपरि हो जाती है, अहम अहंकार जो है, तो उसको हम मन से निकाल के इकट्ठे होने की जो है थोड़ा टाइम चाहिए ना। हमें अभी हमारे मनों से कहाँ निकल रहा है। नहीं वैसे मैंने मेरी वैसे टेलीफोनिक वार्ता हुई थी उनसे, और मैंने उनको ये कहा था कि आप कोई भी बात रखते हैं तो वहां पर शालीनता पूर्वक आप अपनी बात रखें, ना कि अग्रेसिव होके। लेकिन वही बात हो गई, वो खैर हालांकि नहीं, वो ऐसा अग्रेसिव होना नहीं चाह रहे थे, ऐसा लेकिन नहीं, पता कोई आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धमकी वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। धम्म शरणं गच्छामि।
गच्छामि। साधु साधु साधु।